जी, रामदास जी अटवाले। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? आपने हमें विश्वास दिया है, आपने हमें इतना विश्वास दिया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे। आपने हमें इतना विश्वास दिलाया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे और 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी नहीं हारेंगे। आपने मुझे मौका दिया हर बार, आपने मुझे मौका दिया हर बार, इसलिए मैं करता रहा कांग्रेस पर वार। आज मत करिए, आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, इसलिए आप आइए फिर एक बार। जो आते थे बार बार वेल, जो आते थे बार बार वेल, उनको सस्पेंड करके आपने उनका बंद कर दिया था खेल। कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल, कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल, इसलिए अभी वो नहीं आएंगे बेल। ठीक है, चलो पार्टी को छोड़िए। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपका अंदाज बहुत अच्छा था, आप सभी लोगों को साथ में लेकर चलते थे। आप गड़बड़ करने वालों को मतलब एक मिनट के अंदर हाउस अर्जन करते थे, उनको ज्यादा हंगामा करने का मौका भी नहीं मिलता था। लेकिन ठीक बात है कि आप एक स्टडीड थे, आप हाउस चलाने के बारे में बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा। 5 साल तक आप हमारे साथ रहे और सभी मेंबर को आपने मौका देने का काम भी आपने किया है। टाइम कम होने से हमें भी, मैं जब बोलता था तब आप बेल बजाते थे, आप बेल बजाते थे, मैं बोलते रहता था। और लेकिन हर बहुत बार आपने मुझे भी मौका दे दिया है। मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, संविधान निर्माता की पार्टी है, इस पार्टी के तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको हमेशा बुलाते रहेंगे, आपका स्पीच सुनते रहेंगे। ये इस हाउस में तो आपका स्पीच हमने बहुत बार सुना है, लेकिन बाहर भी हम आपको हमेशा बुलाएंगे और आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आपने हाउस बहुत अच्छा चलाया, इसीलिए आपको शुभकामना देता हूँ। जय भीम, जय भारत। रामदास जी, रामदास जी अटवाले। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? आपने हमें विश्वास दिया है, आपने हमें इतना विश्वास दिया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे। आपने हमें इतना विश्वास दिलाया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे और 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी नहीं हारेंगे। आपने मुझे मौका दिया हर बार, आपने मुझे मौका दिया हर बार, इसलिए मैं करता रहा कांग्रेस पर वार। आज मत करिए, आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, इसलिए आप आइए फिर एक बार। वाह।
जो आते थे बार बार वेल, जो आते थे बार बार वेल, उनको सस्पेंड करके आपने उनका बंद कर दिया था खेल। कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल, कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल, इसलिए अभी वो नहीं आएंगे बेल। ठीक है, चलो पार्टी को छोड़िए। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आपका अंदाज बहुत अच्छा था, आप सभी लोगों को साथ में लेकर चलते थे। आप गड़बड़ करने वालों को मतलब एक मिनट के अंदर हाउस अर्जन करते थे, उनको ज्यादा हंगामा करने का मौका भी नहीं मिलता था। लेकिन ठीक बात है कि आप एक स्टडीड थे, आप हाउस चलाने के बारे में बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा। 5 साल तक आप हमारे साथ रहे और सभी मेंबर को आपने मौका देने का काम भी आपने किया है। टाइम कम होने से हमें भी, मैं जब बोलता था तब आप बेल बजाते थे, आप बेल बजाते थे मैं बोलते रहता था। और लेकिन हर बहुत बार आपने मुझे भी मौका दे दिया है। मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, संविधान निर्माता की पार्टी है, इस पार्टी के तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको हमेशा बुलाते रहेंगे, आपका स्पीच सुनते रहेंगे। ये इस हाउस में तो आपका स्पीच हमने बहुत बार सुना है, लेकिन बाहर भी हम आपको हमेशा बुलाएंगे और आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आपने हाउस बहुत अच्छा चलाया, इसीलिए आपको शुभकामना देता हूँ। जय भीम, जय भारत।